हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सक्सेस एडुटेक। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ 10 से 12 क्वेश्चन की फॉर अपकमिंग एफकेट एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स इन थ्री क्लासेस आर इन ईच क्लास इन द रेशो 2:3:5। इफ 40 स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड इन ईच क्लास द रेशो चेंज टू 4:5:7। ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि पहले जब जो रेशो था क्लास में वो था 2x:3x:5x, और जब ईच क्लास में 40 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारा रेशो चेंज हो जाता है 4:5:7 में। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। 2x/3x, हम इनिशियल कंडीशन लेते हैं जब दोनों क्लास में 40-40 स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब 40-40 स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हमारा जो नया रेशो है स्टूडेंट्स का वो हो जाएगा 4:5। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या है, 2x+40/3x+40=4/5। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 10x+200=12x+160। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब हमसे पूछा है कि इनिशियल कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे। तो देखिए हमने क्या माना था, इनिशियल कंडीशन में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रेशो था वो कितना था, 2x, 3x एंड 5x। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2x+3x+5x, यानी टोटल 10x। हमने x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू कितनी है, 20। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 10 × 20, और ये हो जाएगा 200। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 200। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। द इनकम ऑफ ईच पर्सन इफ दे सेव ₹1300 एंड 900। ये क्वेश्चन दिया है, तो हम इसमें सपोज करते हैं कि 2 पर्सन है ए और बी। उनका जो इनकम का रेशो दिया हुआ है हमें वो दिया है 5:3। तो हम मान लेते हैं ए की जो इनकम है वो है 5x और बी की जो इनकम है वो है 3x। ये है इनकी इनकम। और ये जो एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंड कर रहे हैं पैसे, वो है 9:5। तो हम मान लेते हैं ए कितना एक्सपेंड करता है, 9y, और बी एक्सपेंड करता है 5y। ओके, और हमें पता है कि जो सेविंग होती है वो सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी जितना भी इनकम हुआ और उसमें से जितने पैसे खर्च कर दिए तो जो बचा उसी को हम सेविंग बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में फॉर ए, ए के लिए क्या हो जाएगा, 5x-9y=1300, और बी के लिए क्या हो जाएगा, 3x-5y=900। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 800 और y की वैल्यू हो जाएगी 900। ओके, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनकम, इनकम पूछा है। तो इनकम, a की इनकम कितनी थी, 5x, और b की इनकम कितनी थी, 3y। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये देखिए 5 × 800 कितना हो गया, 5 × 800 ये हो गया 4000।
वाई की वैल्यू यहाँ पे 800 है, तो जो बी की इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 × 800, वो हो जाएगी 2400, यानी ऑप्शन हमारा ए हो गया। ए की इनकम है 4000, बी की इनकम है 2400। जब ये दोनों जब ए अपनी सैलरी में से टोटल 2700 खर्च कर देता है, टोटल 4000 में से वो 2700 खर्च कर देता है, तो उसकी जो सेविंग है वो 1300 होती है। बी की सैलरी है 2400, उसमें से वो 2400 में से वो 1300 क्या कर देता है, 1500 एक्सपेंड कर देता है, तो उसकी सेविंग होती है 900, यानी ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 40 ml ऑफ एल्कोहल टू मेक अ सॉल्यूशन दैट कंटेन 25% एल्कोहल। यानी ये क्वेश्चन हमें दिया है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में एल्कोहल है, एल्कोहल का अमाउंट है 40 ml, इसमें हम कितना वाटर मिला दें, यानी एक हम सॉल्यूशन बनाना है हमें एल्कोहल और वाटर का, जिसमें एल्कोहल है 40 ml, इसमें हमें वाटर का कितना ml मिला दें कि जो एल्कोहल का परसेंटेज है वो 25% हो। तो यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है परसेंटेज का फॉर्मूला, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यानी अमाउंट ऑफ वाटर प्लस एल्कोहल, और एल्कोहल का जो अमाउंट है वो कितना है 48, ये कितने परसेंट होना चाहिए, तो 25% होना चाहिए। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, इसको सॉल्व कर देते हैं, 48 × 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 48, और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 144 ml। इसका मतलब अगर हम 48 ml एल्कोहल में 144 ml वाटर मिला दें तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में एल्कोहल का परसेंटेज होगा 25%, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिलीप राम एंड अमर स्टार्टेड अ शॉप इन्वेस्टिंग 2700, 8100 एंड 7200 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ 1 ईयर द प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ राम्स शेयर वॉज 3600 देयर टोटल प्रॉफिट वॉज। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, शेयरिंग वाला। हमें गिवन है कि तीन दोस्त हैं, राम, दिलीप और अमर, वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं और उनको टोटल प्रॉफिट होता है, तो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उनको जो शेयर है प्रॉफिट में वो डिवाइड हो जाता है। हमें गिवन है कि राम को 3600 का प्रॉफिट होता है, तो इन तीनों को मिलके टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा। ओके, तो हम इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशो निकाल लेते हैं कि इन्होंने किस रेशो में इन्वेस्ट किया है पैसे, 8100 रेशो 7200। जब हम इसका रेशो निकालेंगे तो क्या होगा, दिलीप, राम और अमर, इन्होंने 3, 9 और 8 इस रेशो में पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, यानी 3 पार्ट राम का, 9 पार्ट किसका है, 3 पार्ट दिलीप का, 9 पार्ट है राम का एंड 8 पार्ट किसका है इन्वेस्टमेंट में, अमर का। तो जो प्रॉफिट होगा उसमें भी जो डिवीज़न होगा वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा, 3:9:8। अब हमें जो गिवन है, राम को कितना प्रॉफिट हुआ है, 3600, और इनको जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो कितना होगा, 3:9:8। अगर हम मान लेते हैं कि इनको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो है एक्स, तो राम का शेयर कैसे हम फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे 9/20 × x=3600। ये एक्स क्या है, टोटल प्रॉफिट, इन तीनों का कंबाइंड जो प्रॉफिट है वो है एक्स, उसका नाइन
बाई 20 पार्ट किसको जाएगा? राम को। तो अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 400, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8000। इसका मतलब दिलीप, राम और अमर, इन तीनों को कंबाइंड जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 8000 का। और इस 8000 में से राम का जो शेयर है वो कितना है? 3600, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10,000 द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाई 32, 36, 48 एंड 50। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये जो हमें नंबर गिवन होते हैं इनका हमें एलसीएम फाइंड करना होता है, यानी हमें एलसीएम फाइंड करना है 32, 36, 48 एंड 50 का। जब हम इन चारों नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 864, 864। और ये जो गिवन है नंबर हमें 10,000, 10,000 में से हम 864 माइनस कर देंगे तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर इन चारों नंबर से, यानी 32, 36, 48 एंड 50 से डिविजिबल होगा। तो जब 10,000 में से हम 864 माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा? 9136, यानी ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड ₹280। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक शॉपकीपर है, उसके पास एक कोई प्रोडक्ट है जिसकी मार्क्ड प्राइस है 280, और जो शॉपकीपर है उस पर 10% का डिस्काउंट देता है और उसको सेल कर देता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 10% का डिस्काउंट दे दिया मार्केट प्राइस पे, यानी 90% मार्केट प्राइस का 90% जो होगा वो होगी इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होगा? 90% ऑफ 280। ओके, 90% ऑफ 280 हम फाइंड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू 280, ये हो गया कैंसिल और ये हो जाएगा 252, यानी जो सेलिंग प्राइस है इस कॉस्ट की वो कितनी है? 252, यानी जो मार्क्ड प्राइस है उस पे मार्क थी प्रोडक्ट पे वो कितनी थी? 280। जब उस शॉपकीपर ने कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दिया, यानी उसने कस्टमर को कितने रुपए में प्रोडक्ट सेल किया? 252 में। और 252 में प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी जो शॉपकीपर था उसको 26% का प्रॉफिट हुआ, यानी ये जो अमाउंट है वो कॉस्ट प्राइस का 126% है। तो हमें क्या निकालना है? एक्चुअल कॉस्ट निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, और कॉस्ट प्राइस का 126% कितना है? 252 सेलिंग प्राइस। तो हम निकाल लेते हैं 126% ऑफ एक्स, हमने क्या माना है? एक्स कॉस्ट प्राइस है, उसका 126% है 252। यहाँ से जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 200, यानी जो हमारा प्रोडक्ट था उसकी कॉस्ट प्राइस थी 200, शॉपकीपर ने उस पर मार्क प्राइस कितनी कर दी? 280, और फिर उसमें 10% का उसने डिस्काउंट दिया कस्टमर को और उसको सेल कर दिया 252 रुपीज़ में। यानी ये है उसकी सेलिंग प्राइस, ये है मार्क्ड प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। 200 में ख़रीदा, उस पर 280 मार्क किया और 10% डिस्काउंट देने के बाद 252 में सेल कर दिया, तो अभी भी उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ माइलस्टोन इन 15 सेकेंड एंड अ ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन इज। तो देखिए
यहाँ पर एक कोई माइलस्टोन एक पत्थर है, ये एक ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 150 मीटर लॉन्ग। ये ट्रेन इस पत्थर को 15 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड हो जाएगी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इस पत्थर को जब ट्रेन क्रॉस कर रही है तो उसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ रही है, जितनी ट्रेन की लेंथ है, 150 मीटर। टाइम कितना ले रही है वो क्रॉस करने में, 15 सेकेंड। तो इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ट्रेन जो ए ट्रेन है उसकी स्पीड हमें मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का वो हमें ये बोल रहा है कि एक जो ट्रेन है ए वो इस डायरेक्शन में जा रही है और एक सेम लेंथ की ट्रेन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में 12 सेकेंड्स का टाइम लेती है। फर्स्ट ट्रेन की हमें स्पीड पता है 10 मीटर पर सेकेंड, हमें सेकेंड इस ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जब ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यानी ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही हैं, इसकी लेंथ 150 मीटर और इसकी लेंथ 150 मीटर, जब ये ट्रेन यहाँ से टच करेंगी एक दूसरे को, यहाँ पर वो पास में आएंगी, और जब ये ट्रेन इस पॉइंट पर पहुँच जाए तब क्या हम बोलेंगे कि इन ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। इन दोनों ट्रेनों ने जो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो दोनों ट्रेन की लेंथ के इक्वल, जो कि होगी 150 प्लस 150 मीटर। हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, हमें एक फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम गिवन है तो टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150 लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड 150 लेंथ ऑफ ट्रेन बी। हमें लेंथ स्पीड ऑफ ट्रेन ए तो पता है 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस हमें बी ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है, और टाइम भी हमें दिया है 12 सेकेंड। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 इक्वल्स टू 120 प्लस 12x, और यह हो जाएगा 300 माइनस 120 इक्वल्स टू 12x, यह हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 12x, और x की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन 12। 180 अपॉन 12 वो कितना हो गया, 15। एक्स की वैल्यू हमें आ गई 15, पर ये जो वैल्यू आई है ट्रेन की वो है मीटर पर सेकंड में, स्पीड आई सेकंड, ट्रेन की स्पीड आई मीटर पर सेकंड में, पर हमें किसी भी ऑप्शन में जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में नहीं दी हुई है। तो 15 मीटर पर सेकंड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, और एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 मीटर पर सेकंड को हम 8 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 5 3 15 एंड 18 3 54, यानी जो ट्रेन बी होगी उसकी स्पीड होगी 54 किलोमीटर पर आवर। ये थी हमारी ट्रेन ए जो कि इस डायरेक्शन में जा रही थी विथ 10 मीटर पर सेकेंड। यह है हमारी ट्रेन बी जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है और इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर में पर आर में इसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्री इंक्रीजेस एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट, बाय हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2.5 ईयर इफ इट स्टैंड्स टूडे 8 मीटर हाई। क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक ट्री है जिसकी प्रेजेंट कंडीशन में जो हाइट है वो कितनी है, 8 मीटर, और वो पर ईयर
एनुअली 1/8 ऑफ इट्स हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर वन ईयर जो ट्री की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 + 8 × 1/8। ये तो उसकी अभी प्रेजेंट कंडीशन की हाइट है, और एक साल में वो कितना बढ़ रहा है, 1/8 ऑफ उस प्रेजेंट हाइट, तो कितना हो गया 1, यानी 9। आफ्टर वन ईयर जो ट्री की हाइट होगी वो हो जाएगी 9 मीटर। आफ्टर टू ईयर ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 9 + 9 × 1/8, क्योंकि एक साल में कितनी हाइट इंक्रीज हो रही है, 1/8 जो भी प्रेजेंट हाइट है उसका। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 9/8, और ये हो जाएगा 81/8। यानी आफ्टर टू ईयर जो ट्री की हाइट होगी वो हो जाएगी 81/8 मीटर। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आफ्टर टू एंड हाफ ईयर कितनी हाइट हो जाएगी, तो आफ्टर टू एंड हाफ ईयर बाद जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 81/8 + 81/8 × 1/16। यहाँ पर 1/16 हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये पूछा है हाफ ईयर में उसकी हाइट कितनी इंक्रीज होगी, 1/16, और वन ईयर में कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 1/18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर टू एंड हाफ ईयर जो ट्री की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 10.75 मीटर। यानी इनिशियल कंडीशन में ट्री की हाइट थी 8 मीटर, और वो 1/8 ऑफ इट्स हाइट इंक्रीज हो रहा था एनुअली, तो आफ्टर टू एंड हाफ ईयर जो ट्री की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 10.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिफरेंस बिटवीन 63% ऑफ ए नंबर एंड 45% ऑफ द सेम नंबर इज 342, व्हाट इज 78% ऑफ दैट नंबर। तो देखिए, किसी भी नंबर का हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 63% ऑफ ए नंबर, तो हम मान लेते हैं कि पहले जो हमारा नंबर है वो है x, तो x का 63% कितना हो जाएगा, 63x/100, और x का 45% कितना हो जाएगा, 45x/100। हमें इस दोनों नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना है, 342। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18x/100 = 342, और इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई 1900। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो x का यानी ये जो नंबर आया है हमारे पास इसका 78% कितना होगा, तो हम फाइंड कर लेंगे 78 × 1900/100, और ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 1482। यानी ये जो नंबर आया था 1900 का हमें 78% बताना था, वो कितना होगा, 1482, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कंपाउंड, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट है 4000, रेट है 5% पर एनम, और हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आफ्टर 3 ईयर वो कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P (1+R/100)(t-1)। यहाँ पर हमें P दिया हुआ है, R है 5%, T दिया है 3 ईयर। सारी वैल्यूज हम रख देंगे, 400 × 1+5/100(3-1)। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4021/20³-1। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 4000, ये हो जाएगा 9
261 अपॉन 8000 माइनस 1। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 630.5 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर। यानी अगर कोई प्रिंसिपल है 4000 का, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है 5% पर एनम, तो आफ्टर 3 ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 630.5 रुपीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ कैंटीन रिक्वायर 28 डजन बनाना फॉर अ वीक, हाउ मैनी डजन बनाना विल इट रिक्वायर फॉर 47 डेज। यानी 7 डेज में, 7 डेज में कितने बनानाज लग रहे हैं एक कैंटीन में, 28 डजन। ओके, तो हम फाइंड करते हैं एक दिन में, 7 डेज में हमें बनाना लग रहे हैं 28 डजन, 28 एक डजन में कितने बनाना होते हैं, तो 12। यानी हमें 7 डेज में इतने बनानाज लग रहे हैं, तो 1 डे में हमें कितने लगेंगे, एक दिन में हमें लगेंगे 28 × 12/7। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 47 डेज, 47 डेज में कितने बनानाज लगेंगे, तो 47 डेज में हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 28 × 12/7, ये 1 डे में इतने लग रहे हैं, 47 डे में इतने हो जाएंगे। जब हम 47 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डे की रिक्वायरमेंट में, तो हमें 47 डेज में बनानाज मिल जाएंगे। तो 47 डेज में जो नंबर्स ऑफ बनाना की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमें 2256। अब देखिए यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होगा, जैसे ही हमारा 2256 आया हमने ए ऑप्शन लगा दिया, पर क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नंबर्स ऑफ बनाना है, पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी डजन्स, हमसे डजन्स पूछा है, ना कि हमें नंबर्स ऑफ बनाना पूछा है। तो ये हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि हमारा जैसे ही ऑप्शन आया 2256 हमने ए ऑप्शन लगा दिया, पर वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें वो बताना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मेनी डजन्स, यानी हम 2256 को डिवाइड करेंगे 12 से और वो आएगा 188 डजन। तो वो इसमें आपके ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन होगा हमारा डी, नन ऑफ दीज। तो ये हमें जल्दीबाजी नहीं करना है कि जैसे ही हमने फाइंड किया 2256 हमने ऑप्शन ए लगा दिया, नहीं, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है और हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो क्या है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद फिर सॉल्व करना है, ऑप्शन टिक करना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी इन 120 डेज, ए एंड सी इज 90 डे, इन व्हाट टाइम कैन ए अलोन डू इट। हमें दिया हुआ है ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 72 डेज में कर देते हैं, बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 120 डेज में कर देते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 90 डेज में कर देते हैं, तो उसी काम को ए अकेले किस कितने दिनों में कर देगा। तो देखिए हमें फर्स्ट, पहली कंडीशन जो दी हुई है वो क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 170 डेज में कर देते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों कंबाइंड उस काम को 72 डेज में कर देते हैं, यानी एक दिन में, एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/72 parts, यानी उस काम का 1/72 part वो एक दिन में करेंगे। तो हम निकाल लेंगे एक दिन में ए और बी दोनों कंबाइंड कितना वर्क कर रहे हैं, 1/72 parts ऑफ दैट वर्क। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो वो करेंगे 1/B + 1/C, उस काम का 1/20th part करेंगे, यानी 1/20। ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो वो करेंगे 1/90th part कर देंगे। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 1/A + 1/B = 1/72। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे,
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन और ये हमारी थर्ड इक्वेशन। हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे जो सी है वो एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, ए और बी। यहाँ पर हमारे पास ए और बी है, यहाँ इन दोनों इक्वेशंस में से हम सी को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास अगेन ए और बी बच जाएगा, यानी दो इक्वेशन दो अननोन। फिर हम सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए हम माइनस करते हैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन? वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन सी इक्वल्स टू वन अपॉन 90 माइनस वन अपॉन 120। ये हुआ जब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो वन अपॉन सी से वन अपॉन सी कैंसिल। ये हमारी इक्वेशन बन गई वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी इक्वल्स टू वन अपॉन 90 माइनस वन अपॉन 120। ये तो हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। हमारे पास एक और इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन। वो क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन? जो हमने फर्स्ट कंडीशन से बनाई थी और वो ये थी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी इक्वल्स टू वन अपॉन 72। और हमारी जो फोर्थ इक्वेशन आई वो क्या आई? वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी इक्वल्स टू वन अपॉन 90 माइनस वन अपॉन 120। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन कैसे आई? जब हमने सेकेंड, ये थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन कैसे आई? जब हमने सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में माइनस किया था, यानी वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी इक्वल्स टू वन अपॉन 90 में से हमने माइनस किया था वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी इक्वल्स टू 120। तो हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन आई और ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी थी। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन बी से वन अपॉन बी कैंसिल और टू इक्वल्स टू वन अपॉन 90 प्लस वन अपॉन 72 माइनस वन अपॉन 120। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 360। ये हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 3 यानी 2 अपॉन ए इक्वल्स टू 6 अपॉन 360। ये हो गया 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा 120 डेज, यानी इसी काम को ए अकेले 120 दिनों में करेगा। यानी जिस काम को ए और बी कंबाइंड 72 डेज में कर रहे थे, बी और सी 120 डेज में कर रहे थे, ए और सी 90 डेज में कर रहे थे, उसी काम को ए अकेले 120 डेज में करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चन। अब हम कल नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, कल नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट।